हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सुजलॉन एनर्जी की मीटिंग के फैसले को लेके, क्योंकि आज के दिन जो मीटिंग हुई है उसमें सभी लोगों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया। वैसे वर्चुअल मीटिंग हुई है एंड इसमें जो भी आउटकम निकला है उसकी बात करेंगे एंड राइट इशू को यहाँ पर कैसे फिल करें लास्ट में हम ये भी देखेंगे। एंड जो यहाँ पर डेफ का यहाँ पर सबसे बड़ा खुलासा निकला है आज के दिन, यहाँ पर बहुत बड़ी नेगेटिव न्यूज़ तो आप बोल ही सकते हो, उसके साथ यहाँ पर कुछ पॉजिटिव न्यूज़ भी है, उन सभी चीज़ों की डिस्कशन करेंगे। एंड 32% तक यहाँ पर आज के दिन राइट इशू गिरते हुए देखने को मिला है। ऐसा यहां पे क्यों हुआ है, आज के दिन बहुत बड़ी गिरावट सुजलॉन एनर्जी में देखने को मिली है, इन सब चीजों के ऊपर हम लेटेस्ट डिस्कशन करने वाले हैं। आज के दिन जो मीटिंग हुई उसमें धर्मेंद्र दलाल जी जो यहां पे लीड मैनेजर हैं कंपनी के, वो यहां पे शामिल है। हिमांशु पांडे सीएफओ हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ग्रीस तांती जी एंड यहां पे अश्वनी कुमार जी, चारों के द्वारा वर्चुअल मीटिंग की गई थी एंड सभी जो इन्वेस्टर थे जिनको यहां पे पार्टिसिपेट करना था वो यहां पे वर्चुअल मीटिंग में हिस्सा लिए थे। इनके द्वारा जो आउटकम निकला है उसके अभी हम इस वीडियो में पे बात करने वाले हैं। फर्स्ट यहां पे जो बताया गया है वो यहां पे मैं उसके ऊपर चलता हूं, लेकिन यदि आप जब तक आप यहां पे प्राइस चेक कर लीजिए, क्योंकि आज के दिन 7.19 मतलब यहां पे 7% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली है। एंड सुजलॉन एनर्जी आज के दिन राइट इशू फुल करने का फर्स्ट डे था एंड पहले ही दिन ये 7.10 रुपए तक जा पहुंचा, 50 पैसे से ज्यादा की गिरावट आज के दिन देखने को मिली। वही यदि हम राइट इशू की बात करें तो राइट इशू में लगभग 32% की गिरावट देखने को मिली है। 2.65 रुपए पर राइट इशू ओपन होने को दिखा था, 1.70 रुपए हाँ 2.65 रुपए पे ओपन होने को दिखा था, देन फिर वहां से देखें तो लगातार इस शेयर में गिरावट देखने को मिली है। 1.70 रुपए इसने लो बनाया है, 1.80 रुपए पे लास्ट ट्रेडिंग टाइम पे बंद होने को दिखा है। 2.65 रुपए तक गया था वो तो सही है, क्योंकि वो जो सुजलॉन एनर्जी का प्राइस था वो 7.65 रुपए था, तो 2.65 रुपए मैंने आपको पहले भी बोला था कि इस प्राइस तक जाते हुए देखने को मिलेगा। देन आप समझ सकते हैं अभी 7.10 रुपए सुजलॉन एनर्जी का प्राइस पहुंच चुका है, तो 5 रुपए इसकी प्रीमियम है एंड 5 रुपए यदि आप ये प्लस करते हैं तो लगभग इसी प्राइस तक जा पहुंचेगा। तो ये यहां पर कुछ मैटर रहने वाला है। यदि और भी सुजलॉन एनर्जी का प्राइस गिरता है तो आपको राइट इशू का प्राइस और भी गिरते हुए देखने को मिलेगा, यदि वहां बढ़ता है तो यहां भी बढ़ने को देखने को मिलेगा। उसके साथ जो यहां पर आउटकम निकल के आया मीटिंग के द्वारा वो ये है कि यहां पर बताया गया सुजलॉन एनर्जी राइट इशू एंड यहां पर बताया गया कंपनी टारगेट डेट फ्री इन नेक्स्ट 8 ईयर, अगले जो 8 साल है वो कंपनी यहां पर डेट फ्री करेगी, ऐसा यहां पर बोला गया आज के दिन। एंड यहां पर जो फुल लेटेस्ट न्यूज आई है 11 अक्टूबर की आज की मीटिंग है एंड जो 1200 करोड़ कंपनी यहां पर राइट इशू के जरिए मतलब बना रही है, पैसा यहां पर जुटा रही है, उसको यहां पर क्या करने वाली है ये भी यहां पर बताया गया है। एड्रेसिंग वर्चुअल मीटिंग सीएफओ यहां पर बात करें तो हिमांशु मोदी जी एंड उन्होंने यहां पर बताया है कि यहां पर जो डेफ्ट है वो 583 करोड़ यहां पर कम करेगी, जो 1200 करोड़ रुपए यहां पर आएंगे सब्सक्रिप्शन के तहत, मतलब आप लोग जो राइट इशू डालेंगे उसके एवज में आपको 5 रुपए पर इक्विटी शेयर पे अप करना है, क्योंकि 240 टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर के राइट इशू निकले हैं, तो उसमें से जो इनके पास पैसा जुटेगा कंपनी के पास वो लगभग 1200 करोड़ है एंड उसमें से 583 करोड़ ये यहां पर डेप चुकाने के काम में लाएंगे। लेकिन ये यहां पर बहुत बड़ा धोखा है, क्योंकि अभी 2 से 3 दिन पहले इनके द्वारा बोला गया था कि जो 1200 करोड़ ये जुटाने वाले उसमें से 1000 करोड़ की ये यहां पर डेप चुकाने वाले हैं, लेकिन आज के दिन फिर से उसको करेक्शन करते हुए ये 583 करोड़ पे आ पहुंचे, जो यहां पर बहुत बड़ी नेगेटिविटी इस कंपनी की बताई जा रही है, क्योंकि लगातार इनके द्वारा 2 बयान देना एंड कंपनी यहां पर क्यों नहीं चुका पा रही है, 1200 करोड़ रुपए आए हैं एंड उससे इन्हें ज्यादा से ज्यादा डेप चुकाना चाहिए जिससे यहां पर डेप बर्धन कम होगा, लेकिन ये इतने कम का डेप चुका रहे हैं, ओनली आधे का, 1000 करोड़ का इन्होंने वादा किया था एंड ये अभी 583 करोड़ का डेप चुका रहे हैं। इनके इस अनाउंसमेंट के बाद इस शेयर में लगातार गिरावट देखने को मिली है आज के दिन, क्योंकि जैसे ही मार्केट ओपन था वैसे ही इनके यहां पर अनाउंसमेंट आते जा रहे थे एक के बाद एक। देन यदि आप टोटल नंबर ऑफ डेप देखें तो वो लगभग 3200 करोड़ का है कंपनी के ऊपर, जो जून क्वार्टर में इनने यहाँ पे बताया था। उसके बाद फिर यदि अभी आप देखें तो उसमें से ये 583 करोड़ चुकाएंगे, तो अभी भी इनके पास एक बहुत बड़ा डेफ यहाँ पे बचने वाला है। ये सब यहाँ पे न्यूजेस आती रही, न्यूजेस आने के साथ साथ शेयर में गिरावट भी आज के दिन देखने को मिलती है। यदि आप लास्ट ट्रेडिंग टाइम पे देखें तो वो गिरावट बढ़ते बढ़ते पहले 6% की थी एंड बढ़ते बढ़ते वो यहाँ पे काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली है एंड 7 रुपए पर पीस पे वो शेयर आ पहुँचाता था BSE में आफ्टरनून यहाँ पे 12 बजे की बात की जा रही, क्योंकि लगातार इनके द्वारा जो अनाउंसमेंट आते रहे वो कहीं
ना कहीं मार्केट को अच्छे नहीं लगे एंड सुजलॉन एनर्जी में गिरावट के साथ साथ राइट इशू में भी बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली। उसके साथ यदि आप वॉल्यूम एंड डिलीवरी देखें तो वॉल्यूम एंड डिलीवरी में जो वॉल्यूम आज के दिन सामने आया वो तो 19 करोड़ का है, काफ़ी बड़ा वॉल्यूम सामने आया, लेकिन जो डिलीवरी रही है बी एस सी के काउंटर पर हाल फिलहाल में यहाँ पर 40% के अराउंड की डिलीवरी देखने को मिली है, यहाँ पर शायद स्लाइड गायब है। लेकिन अभी हम यदि थोड़ी राइट इशू की बात करें तो राइट इशू में 4 अक्टूबर की यहाँ पर जो डेट थी वो रिकॉर्ड डेट थी, जिनके पास 4 अक्टूबर के पहले जो शेयर थे वो उनको राइट इशू मिलने का फायदा मिला है। एंड उसके साथ जो 10 तारीख डेट थी वो एंटाइलमेंट की डेट थी, उसके बाद 11 तारीख से 20 तारीख के बीच में आपको यहाँ पे फिलअप करना है फॉर्म, राइट इशू को फिल करना है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा वीडियो में कैसे आपको राइट इशू में पार्टिसिपेट करना है, फिल कैसे करना है। उसके साथ यदि आप 14 तारीख की डेट देखें तो वो है रेनाउंसिएशन डेट, मतलब इस डेट तक आपको ये डिसीजन लेना होगा कि यदि आपको बेचने हैं तो इसके पहले आपको बेच देने चाहिए शेयर। यदि आप नहीं बेचते हैं 14 तारीख तक, तब फिर आपके पास ओनली एक ही ऑप्शन बचता है कि आप राइट इशू को फिल करें। यदि आप राइट इशू के साथ कुछ भी नहीं करते हैं तो वो आपके सामने 20 तारीख के बाद यहाँ पे जीरो होते हुए देखने को मिलेंगे। तो आपको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, या तो आप सेल करें, आपके पास अभी 3 दिन और है 12, 13, 14, तो 14 तक आप यहाँ पर सेल कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपके पास एक ही ऑप्शन बचेगा, वो बचेगा आपको यहाँ पे अप्लाई करने का। अप्लाई की मैं पूरी प्रोसीजर इस वीडियो में जरूर बताऊंगा, इसके बाद मैं बताने वाला हूँ। उसके साथ यदि आप यहाँ पर देखें तो 1 तारीख को वो क्रेडिट हो जाएंगे आपके अकाउंट में, पोर्टफोलियो वाले अकाउंट में। उसके साथ देखें तो लिस्टिंग इसकी होगी 3 नवंबर तक। अभी हम बात करेंगे कैसे आपको फिलअप करना है पूरा ये राइट इशू का फॉर्म, जिस तरह से आपको फिलअप करना होगा इस वीडियो में आगे उसी की बात करने वाले हैं। तो और तब तक के लिए आप यहाँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर पहली बार है वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। अप्लाई कैसे करना है तो आप सबसे पहले जाइए गूगल में, गूगल में जाने के बाद आप वहां पर सर्च करेंगे के फिनटेक, जिस तरह से आपकी स्क्रीन के सामने आप सो रखा होगा। उसके बाद अभी हम चलते हैं राइट इशू के ऊपर, लेकिन उसके पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार हो चैनल को यहां पर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए लास्ट में लाइक जरूर कर देना। यहां पर आप के फिनटेक के ऊपर जाते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह सा पेज ओपन होते आता है, पहले आईपीओ अलॉटमेंट स्टेटस एंड सेकेंड आती है के फिनटेक टेक्नोलॉजी की साइट, एंड यदि आप फोर्थ साइट देखते हैं चौथे नंबर की यदि आप साइट को देखते हैं तो आपको चौथे नंबर पर कुछ इस तरह से आएगा राइट इशू के फिनटेक, तो आप इसको अप्लाई करना है। या यदि आप सेकंड वाले पे भी जाते हैं तो आपको जो के फिनटेक की साइट रहती है वहां पे एक ऑप्शन मिलता है राइट इशू का, आप सिंपली यहां पे भी क्लिक कर सकते हैं, आप कहीं पे भी करें। अभी मैं यहां पे क्लिक करता हूं राइट इशू के फिनटेक, यदि आप यहां पे डायरेक्टली क्लिक करते हैं तो आप पहुंचते हैं के फिनटेक की राइट इशू वाली स्लाइड के ऊपर, जो इस तरह से आपके सामने दिखाई देगी के फिनटेक। यहां पे दो राइट इशू रहेंगे, एक तो फर्स्ट रहेगा गौतम जेम्स का एंड सेकंड रहेगा सुजलॉन एनर्जी का। अभी हम भर रहे हैं यहां पे सुजलॉन एनर्जी का, तो यहां पे आपको सिंपली कर देना है गो। जैसे ही आप यहां पे गो करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से पेज ओपन हुए होते हुए आएगा, के फिनटेक सुजलॉन एनर्जी का पेज आएगा एंड वहां पे लिखा होगा कि इशू ओपन डेट 11th ऑफ अक्टूबर 9 AM से यहां पे स्टार्ट हो गई है, मतलब आज सुबह 9 बजे से इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी हम यहां पे फुल प्रोसेस देखेंगे कि यहां से अप्लाई करना कैसे है, तो आपको अभी जाना होगा यहां पे राइट्स एंटाइलमेंट लेटर के ऊपर एंड यहां पे आपको करना होगा गो। जैसे ही आप यहां पे गो करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होते हुए आएगा सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड का एंड वहां पे लिखा होगा एंटाइलमेंट लेटर डाउनलोड। आपको लेटर डाउनलोड नहीं करना है, आपको इसको स्क्रॉल करते हुए नीचे जाना है। जैसे ही आप इसको स्क्रॉल करते हुए सबसे नीचे पहुंचेंगे वैसे ही आपके सामने एक ऑप्शन आएगा आई क्लेरिफाई दैट आई एम ऑथराइज्ड टू एक्सेस देश पे। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होते हुए आएगा, आपको इसके बाद कुछ ऐसा पेज ओपन होते हुए आएगा, तब भी आप यहाँ पे नीचे जाते हैं तो यहाँ पे दो ऑप्शन मिलते हैं आई कन्फर्म एंड आई डू नॉट कन्फर्म। तो अभी मैं यहाँ पे आई कन्फर्म पे क्लिक करता हूँ, जैसे यहाँ पे आई कन्फर्म पे आप क्लिक करेंगे वैसे ही आपके सामने एक और नया पेज ओपन होते हुए आएगा, इतने पेज यहाँ पे आपको ओपन करने होंगे। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा इन्वेस्टर इन इंडिया ओनली, यदि आप यहाँ पे इंडिया के इन्वेस्टर हैं तो यहाँ पे, यदि आप फॉरेन इन्वेस्टर हैं तो यहाँ पे तो आप यही करेंगे सिलेक्ट इन्वेस्टर इन इंडिया ओनली, क्योंकि आप यहाँ पे इंडिया के ही इन्वेस्टर हैं। सबसे पहले आपको यहां पे क्लिक कर देना है, देन जैसे ही आप यहां पे क्लिक करते हैं आपके सामने एक और नया पेज ओपन होते हुए आएगा एंड यहां पे लिखा होगा प्रोसीड टू डाउनलोड लेटर ऑफ एंटाइलमेंट। तो अब आपको यहां पे सिंपली क्लिक करना है, देन आप पहुंच जाएंगे सुजलॉन एनर्जी के राइट इशू के ऊपर, जहां पे आपको यहां पे फिल अप करना है आई एम होल्डिंग द शेयर इन। अब आपको यहां पे सिलेक्ट करना होगा कि आपके पास CDSL है, NSDL है या फिर आप फिजिकल फॉर्मेट से इस शेयर को लिए हैं। फिजिकल फॉर्मेट होता है यहां पे पेपर के थ्रू, लेकिन यदि जिन लोगों का अकाउंट यहां पे 0
हमें है, तो उनको यहाँ पे चूज करना होगा CDSL एंड आप अपनी फॉर्म वहाँ पे जाके पोर्टफोलियो में जाके देख सकते हैं प्रोफाइल में जाके कि आपको NSDL करना है CDSL। यदि आप बोलेंगे तो इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। जीरोधा वाले यहाँ पर CDSL पे क्लिक करते हैं या आप अपने ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं कि आपका CDSL है कि NSDL। एंजल ब्रोकिंग वाले अलग करेंगे, फाइव पैसे वाले अलग करेंगे। तो यहाँ पर मैं सिंपली CDSL को क्लिक कर देता हूँ एंड जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं आपको यहाँ पर एक और स्टेप आगे जाना होगा, सबमिट यहाँ पर करना होगा। एंड यहाँ पर सबमिट जैसे ही आप करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर CDSL अकाउंट डिटेल एंड कैप्चा की यहाँ पर डिटेल फिल करनी होगी। सबसे पहले आपको यहाँ पर CDSL ID डालनी होगी। जैसे यहाँ पर CDSL ID मेरी 16 डिजिट की है, सिक्योरिटी के रीजन से मैं यहाँ पर कुछ भी पुटअप कर देता हूँ 4 एंड मैं 16 डिजिट की यहाँ पर फिलअप कर देता हूँ। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर कैप्चा फिलअप करना है। जैसे ही आप यहाँ पर कैप्चा फिलअप करेंगे, मैं कैप्चा तो यहाँ पर आपको दिखाई देता हूँ, ऐसे आपको यहाँ पर कैप्चा फिलअप करना है। एंड कैप्चा फिलअप करने के बाद देन सिंपली आपको यहाँ पर कर देना है सबमिट। जैसे ही आप यहाँ पर सबमिट करते हैं वैसे ही आपके सामने पेन नंबर अप्लाई करना होगा। यहाँ पर आपको अपना पेन नंबर डालना होगा। फर्स्ट मैं यहाँ पर आपको पेन नंबर डाल के दिखा देता हूँ। जैसे मैं अपना यहाँ पर पेन नंबर अभी टाइप कर रहा हूँ, परमानेंट अकाउंट नंबर जिसे हम बोलते हैं पेन नंबर। तो मैं अभी यहाँ पे इस साइड में मैं यहाँ पे पेन नंबर डाल देता हूँ। जैसे ही आप यहाँ पे पूरा अपना पेन नंबर फिलअप करेंगे वैसे ही आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा। पहले मैं सिक्योरिटी के रीजन से यहाँ पे ब्लर कर दे रहा हूँ पेन नंबर के जगह पे एंड मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। अभी आपके सामने नया पेज आएगा। पेन नंबर डालने के बाद क्लिक ऑन डाउनलोड बटन टू डाउनलोड एंटाइलमेंट फॉर्म। बस आपको यहाँ से सिंपली डाउनलोड करना है एंड आपका यहाँ पर पूरा प्रोसेस हो चुका है। जैसे मैंने यहाँ पर डाउनलोड किया एंड मैं आपको डाउनलोड के बाद भी दिखा देता हूँ किस तरह से फॉर्म आता है। तो फर्स्ट मैं यहाँ पर जाता हूँ एंड आपके सामने ये जो फॉर्म है ये आपके सामने आ चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह का फॉर्म आएगा आपके सामने एंड ये यहाँ पर क्लियरिफिकेशन देगा कि आपका यहाँ पर एंटाइटलमेंट राइट इशू का पूरा फिलअप हो चुका है। तो मैंने आपके लिए लाइव ये बना के दिखाया। वैसे भी मैं भी इसमें अप्लाई कर चुका हूँ तो आप इसमें अप्लाई करें, नहीं तो अपना राइट इशू यहां पे बेच दें, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, या तो बेचना होगा या राइट इशू को अप्लाई करना होगा। क्योंकि 20 तारीख के बाद, आफ्टर ऑफ 20 अक्टूबर के बाद आपका जो राइट इशू है सुजलॉन का वो आपका जीरो होने को दिखेगा। इसलिए